हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन। मेरा नाम है काशिफ खान और हर महीने की तरह इस महीने की भी लीगल अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स आए हैं जो कि आपके आने वाले कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो केस का नाम है किशोर कर्मकार वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। इस केस की अगर हम फैक्ट की बात करें तो यहाँ पर एक पर्सन था जिसके अगेंस्ट में चार्जेस लगे थे सेक्शन 20B2C ऑफ NDPS एक्ट, और यहाँ पर जो है उसको कस्टडी में रखा गया था मई 11 2022 से। तो हालांकि अगर हम देखें तो 2 साल का टाइम यहाँ पर से वो कस्टडी में था, और उसमें सिर्फ और सिर्फ तब तक एक ही विटनेस का जो है यहाँ पे गवाही हुई थी, एक ही विटनेस यहाँ पे एग्जामिन हुआ था। तो इस वजह से जो है उड़ीसा हाईकोर्ट ने उसको बेल ग्रांट की थी, लेकिन जो बेल ग्रांट करी थी उड़ीसा हाईकोर्ट ने वो सिर्फ और सिर्फ 2 महीने की ग्रांट की थी, और कहा था कि ये जो ट्रायल है इसका बहुत लंबे समय से चल रहा है, डिले हो रहा है इसमें, तो इस वजह से जो है वो हम इसको इसका बेनिफिट देंगे और प्री ट्रायल पनिशमेंट जो है इसको रिकॉग्नाइज किया इसके पनिशमेंट को, और कहा कि इनको 2 महीने की बेल यहां पर हम देते हैं। लेकिन ये जो 2 महीने की बेल थी इसको सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो 2 महीने की बेल जो आपने दी है वो गलत है। आप अगर इस बेसिस पे दे रहे हैं कि किसी का जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीडी ट्रायल, वो इन्फ्रिंज हो रहा है, तो 2 महीने का जो टाइम लिमिट है वो कम है, आपको तब तक देना चाहिए वो बेल जब तक वो केस जो है वो डिस्पोज ऑफ ना हो जाए। ठीक है, तो पूरे ट्रायल के दौरान जो है इस पर्सन को बेल दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे हुसैन आरा खातून वर्सेज होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार के केस की भी रेफरेंस दी, जिसमें स्पीडी ट्रायल जो है उसको एक फंडामेंटल राइट जो है वो घोषित किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट केस की बात करें तो नेक्स्ट केस का नाम है सुरेश दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस के इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक इंसान को मारा और उसकी डेथ हो गई, और उसके साथ उसको बहुत सारी इंजरी भी यहाँ पे इन्फ्लिक्ट की थी। अब जब ट्रायल कोर्ट में मामला गया तो ट्रायल कोर्ट ने यहाँ पे एक्यूज को कन्विक्ट किया और उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी उसके कन्विक्शन को जो है बरकरार रखा, और यहाँ पे जो है इस चीज को चैलेंज करते हुए वो एक्यूज पर्सन जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसने कहा कि यहां पर जो वो पर्सन है वो अनलॉफुल असेंबली में सिर्फ पार्ट था, अनलॉफुल असेंबली का, उसने किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं की थी, बस वो वहां पे उसका एक पार्ट था। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर आप किसी भी अनलॉफुल असेंबली का पार्ट भी रहते हैं, इवन दो आपने कोई एक्ट नहीं किया, आप आर्म कैरी नहीं कर रहे थे और आपने किसी को मारा भी नहीं, फिर भी आप एक कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ अगर अनलॉफुल असेंबली के मेंबर रहते हैं तो आपको यहां पर सजा बराबर मिलेगी जैसे कि अदर एक्यूज को यहां पर मिली है। तो यहां पर 149 आईपीसी जो है सेक्शन लगाया है, और उसके तहत यहां पर एक्यूज की जो कन्विक्शन है उसको सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बरकरार रखा है। आगे बात करें तो नेक्स्ट केस है हमारा मोहम्मद अब्दुल समद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। इस केस की बात करें तो यहां पर वाइफ ने अपने हस्बैंड के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 125 में एक एप्लीकेशन दी थी कि उसको मेंटेनेंस दिया जाए। ये दोनों पार्टी जो है वो मुस्लिम थे, तो हस्बैंड का यहाँ पे एक कंटेंशन था कि वाइफ जो है वो 125 में जो है वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे पास जो एक एक्ट है 1986 का वो कहता है कि इद्दत पीरियड तक यहाँ पर जो है उनको मेंटेनेंस मुस्लिम हस्बैंड जो है वो देंगे, उसके बाद फिर वो अपनी फैमिली से मांगेगी और उसके बाद जो है वो वक्फ बोर्ड से मांगेगी। तो यहाँ पर हस्बैंड की कोई जिम्मेदारी नहीं है और वाइफ जो है 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। ठीक है, अगर उसको मेंटेनेंस लेना है तो वो सेक्शन 5 ऑफ 1986 का जो एक्ट है उसके तहत मांगेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो है अपने जो पुराने जजमेंट है उनको यहाँ पर रेफर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे फिर से कहा कि जो वाइफ है ना, चाहे डिवोर्स वाइफ बेसिकली जिनकी बात हो रही है यहाँ पर, डिवोर्स वाइफ जो है यहाँ पर वो मेंटेनेंस मांग सकती है सेक्शन 125 सीआरपीसी में, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करती है, और यहाँ पर जो सेक्शन 5 है 1986 एक्ट का वो एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री है, ना कि डेरोगेटिव है सेक्शन 125 सीआरपीसी का। सो मुस्लिम वोमेन जो डाइवोर्स है वो ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द पिटीशन जो है वो 125 सीआरपीसी में अपने मेंटेनेंस मांग सकती है, और यहाँ पर पर्सन जो उसका हस्बैंड है बेसिकली उसको यहाँ पर मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे एक सवाल है कि आपको ये बताना है कि सेक्शन 125 सीआरपीसी का बीएनएसएस में किस सेक्शन में अब यहाँ पर चला गया है, ये आपके लिए एक सवाल है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। नेक्स्ट बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के 2 नए जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ है, और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ अगेन 34 हो गई है, और यहाँ पर जो 2 नए जजेस हैं उनमें पहले का नाम है जस्टिस एन कोतीश्वर और दूसरे जो है जस्टिस आर महादेवन। अब इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं तो ये जो जज हैं जस्टिस
एन कोटेश्वर, इन ये जो है बेसिकली चीफ जस्टिस रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के 2 फरवरी 2023 से, और ये फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हैं मणिपुर से। और अगर हम वही बात करें, जो दूसरे जज है हमारे जस्टिस आर माधवन, ये जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस थे मद्रास हाई कोर्ट के, और ये 2024 से वहां पे थे, और ये उससे पहले मद्रास हाई कोर्ट में अपॉइंट हुए थे एज जज 2013 से। तो ये दो जजेस अब जो है नए जस्टिस बने हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट केस की बात करें तो इसका नाम है एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। इस केस की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप सभी को मालूम हुआ कि कावड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने एक डायरेक्शन निकाला था, और उन्होंने कहा था कि जितने भी शॉपकीपर हैं जो बेसिकली खाने का सामान जो है वो बेच रहे हैं, चाहे वो होटल हो, चाहे वो ढाबा हो, चाहे वो रेड़ी या ठेले पर भी कोई सामान अगर बेच रहा है, तो उसके उसको अपने प्रोपराइटर का नाम और अपने एम्प्लॉय का नाम जो है दुकान के बाहर लिखना पड़ेगा। अब इस पर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स हुआ, और यहाँ पर डिस्प्यूट जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर कहा गया कि ये जो ऑर्डर है बेसिकली ये हमारे बहुत सारे जो फंडामेंटल राइट हैं उनका वायलेशन है, जैसे कि आर्टिकल 14, 15, 17, 19, 1G। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सही माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नाम डिस्प्ले करने का डायरेक्शन जो है पहले एक तरह से मुजफ्फरनगर के जो पुलिस है उन्होंने इशू किया था, बाद में फिर ये आगे और बढ़ा और फिर यूपी ने किया, फिर उसके बाद उत्तराखंड ने कर दिया। तो ये जो इन्होंने डायरेक्शन निकाला है ये डायरेक्शन जो है गलत है। अगर हम फूड एक्ट की भी बात करेंगे तो फूड एक्ट सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन की रिक्वायरमेंट रखता है कि आपको ये बताना है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट आपने खाने में यूज किया है, और आपको ये बताना है कि वो वेज है या नॉन वेज है। किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा लॉ नहीं है या कोई भी हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कोई ऐसा पावर नहीं देती स्टेट को कि वो इस तरीके का कोई डायरेक्शन यहाँ पे दे सके। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे उत्तराखंड और यूपी की जो गवर्नमेंट है उनका ये जो डायरेक्शन था उसके ऊपर स्टे लगा दिया। नेक्स्ट जो केस है वो है विशाखा यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस बेसिकली नीट एग्जाम को दोबारा से करने के लिए किया गया था। कहा गया था कि जो नीट का एग्जाम हुआ उसमें बहुत ज्यादा धांधली हुई है, उसमें बहुत ज्यादा माल प्रैक्टिस हुई है, तो इस वजह से उस नीट के एग्जाम को कैंसिल किया जाए और दोबारा से इस एग्जाम को कराया जाए। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा चीजों को चेक किया। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली को कहा कि जो पेपर को जो है वहां पे पुराने एनसीईआरटी को आंसर को लेकर उन्होंने जो है एनटीए वालों ने राइट आंसर बताया है उसको चेक करें आप पहले। उसके बाद बहुत सारे जो अदर अदर एरिया जैसे कि हजारीबाग झारखंड उसमें कहा गया था कि वहां पर जो है वो चीटिंग हुई है, वहां पे 155 स्टूडेंट जो है उनको सस्पेक्ट किया गया है जिनको एक तरह से बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है ना फ्रॉड के जरिए। तो इन सारी चीजों को जो है वहां पर चेक किया जाए। उसके अलावा आपको मालूम हुआ कि 67 स्टूडेंट्स इस बार जो है जिन्होंने टॉप किया जिनकी फर्स्ट रैंक आई, तो इन सारी चीजों को यहाँ पे चेक किया जाए। और इसमें ये लगता है कि एग्जाम में जो है वो चीटिंग हुई है और यहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश की है इस एग्जाम में, तो इस वजह से जो है इस एग्जाम को कैंसिल करके दोबारा से एग्जाम कराने के लिए पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है नीट के जो 2024 में एग्जाम हुआ था उसको, और कहा है कि यहाँ पे किसी भी तरीके से जो है वो एग्जाम की जो सैंक्टिटी है वो ब्रीच नहीं हुई है। और यहाँ पर बस एक डायरेक्शन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीच में इशू किया गया था कि जो 1500 बच्चे थे जिनको जो है एक्स्ट्रा नंबर दिए गए थे है ना, उनको कहा गया था कि आप जो है दोबारा से अपना एग्जाम दे सकते हैं, उनके लिए एक ऑप्शन यहाँ पे रखा गया था, और उसमें से फिर बहुत बच्चों ने एग्जाम को दोबारा से अटेम्प्ट भी किया, ग्रेस मार्क्स जिनको बेसिकली दिया गया था। जो लास्ट अपडेट है हमारी वो है गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इस केस की अगर हम बात करें तो ये जो यंग लॉयर हैं उनकी लाइफ का बहुत ही बड़ा चेंजिंग डिसीजन इसको इस केस में बेसिकली आया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी जिसमें कहा गया था कि जो बहुत सारे स्टेट बार काउंसिल है वो अलग अलग जो है वो फीस चार्ज करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, एडवोकेट के रजिस्ट्रेशन के लिए बेसिकली अगर हम बात करें तो, और ये जो चार्जेस हैं वो जो सेक्शन 24 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 है उनसे ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। और ये उनके जो प्रोविजन है उसको वायलेट करता है, क्योंकि वहां पर जो है अगर हम देखें तो बात किया गया है कि आप 750 रुपये फीस लेंगे जनरल कैटेगरी से और 125 रुपये फीस लेंगे एससी एसटी कैटेगरी से, और ये जो फीस है कहीं कहीं पर अगर देखने को मिलती है 40,000-42,000 के आसपास है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि ये जो फीस अदर अदर स्टेट बार काउंसिल अदर अदर ले रही, कहीं पर 10,000 है, कहीं पर 15,000 है, कहीं पर 20,000 है, तो ये जो है वो इस सेक्शन का वायलेशन है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो इतनी ज्यादा फीस दी जा रही है इससे जो बहुत सारे यंग लॉयर हैं उनको जो है वो इस फील्ड में आने में एक दुविधा भी आएगी, आप इस तरीके से जो है चार्जेस नहीं ले सकते। आपको अगर चार्जेस लेने हैं तो आप रजिस्ट्रेशन के बाद लें,
थुक और लेकिन रजिस्ट्रेशन में आपको जो फीस बताई गई है सेक्शन 24 ऑफ एडवोकेट एक्ट में आपको वही लेनी पड़ेगी। लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर भी करी, उन्होंने कहा कि जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं ज्यादा फीस में उनका पैसा यहाँ पे वापस नहीं किया जाएगा, ये जो ऑर्डर है वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में होगा। और यहाँ पर आपको अगर कोई चार्जेस अदर लेने हैं तो आप प्रैक्टिस में इनरोलमेंट होने के बाद लेंगे। तो बहुत ही अच्छा जजमेंट है, यंग लॉयर के लिए बहुत ही बेनिफिट पहुंचाएगा ये पूरा का पूरा जजमेंट। और इसी के बाद से बहुत सारे स्टेट बार काउंसिल ने अपना रजिस्ट्रेशन जो है अब रोक दिया है। अब जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कोई नया आदेश आएगा उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन रीओपन होंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की हमारी अपडेट। आई होप ये सारी अपडेट में आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।